हाँ जी, तो एक बार फिर से लेके हाजिर हैं जी हम आपके लिए 2 मिनट टेक न्यूज। मैं हूं चरणजीत सिंह, आप देख रहे हैं पाइजी टेक न्यूज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सबको पता ही है कि हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज के साथ। तो एप्पल बैक टू बैक अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता जा रहा है, नए नए इवेंट करता जा रहा है, और अब एक न्यूज आ रही है कि एप्पल एक और नया इवेंट करने वाला है नवंबर 10 को, और टैगलाइन आई है वन मोर थिंग। इसका मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त, और मुझे लगता है कि इस इवेंट के अंदर एप्पल कुछ अपने लैपटॉप्स को लॉन्च करने वाला है। तो कुछ दिनों पहले रियलमी ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च करी थी, और अब रियलमी ने अपनी दूसरी स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जिसका नाम है रियलमी वॉच एस। इसके अंदर आपको 16 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, 15 डेज की बैटरी लाइफ है, और इसमें 100 प्लस वॉच फेजेस देखने को मिल जाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर के साथ साथ इसके अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी बताएगा, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और ये वॉच आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो आजकल सारी कंपनीज, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, कुछ भी हो, सब आपको कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन बंडल्स आपको साथ में दे रहे हैं। और अभी अभी एयरटेल ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है, 499 का पोस्ट पेड प्लान लेने पर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन फॉर फुल ईयर फ्री में मिलेगा। तो वीवो का नया फोन V20 SE इंडिया में लॉन्च हो गया है विद स्नैपड्रैगन 665। इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा, और 8GB प्लस 128GB की स्टोरेज आपको इसमें मिल जाएगी, और इसका प्राइस सिर्फ 20,999 रुपीज है। तो आसूस ने बैटल ऑफ गॉड का सीजन 2 अनाउंस कर दिया है, और ये नवंबर 6 से स्टार्ट होने वाला है। ये एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, इसके अंदर लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में गेम खेलेंगे, टूर्नामेंट करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, और इस टूर्नामेंट के विनर को 7 लाख रुपीज का प्राइज मनी मिलने वाला है। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस के अंदर अब से आपको एप्पल टीवी की एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी एक्सबॉक्स के ऊपर नवंबर 6 से। तो अब आप अपने एप्पल टीवी का सारा मजा एक्सबॉक्स से भी ले पाएंगे। तो हुआई और यूएस का पंगा तो बहुत टाइम से चल रहा है, यूएस के सैंक्शंस की वजह से हुआई को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसी चीज को देखते हुए हुआई ने प्लान किया है कि वो अब अपने एक चिपसेट फैक्ट्री डालने वाला है शंघाई के अंदर, जिससे उनको आने वाले दिनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो चिप्स को लेकर, जैसे कुछ दिनों पहले उनकी सारी चिप्स खत्म हो गई थी और उनको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा था। तो बेंगलुरु बेस्ड होम ग्रोन कंपनी रेगर ने एक नया 3-in-1 मॉड्यूलर चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्क 1250। इसके अंदर आप चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो चार्ज कर सकते हैं, वायर्ड हो, वायरलेस हो चार्ज कर सकते हैं, एयरपॉड्स अपने चार्ज कर सकते हैं, इवन अपनी स्मार्ट वॉचेस भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये तो 3-in-1 नहीं, ऑल इन वन होना चाहिए, और इसका प्राइस सिर्फ 2,999 रुपीस है। मतलब 3,000 रुपए के अंदर आपको मल्टी फंक्शन चार्जिंग डॉक मिल जाएगा। तो सैमसंग अपना नया UI 1 UI 3.0 बहुत ही जल्दी रोल आउट करने वाला है, और ये आपके सैमसंग के सारे डिवाइस में देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो WhatsApp अपना एक नया फीचर डिसअपीयरिंग मैसेजेस बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके कोई भी मैसेज है वो 7 डेज बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि WhatsApp बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है आपके स्मार्टफोन्स के अंदर, काफी सारा मीडिया आपके पड़ा होता है, और इस चीज को चलते हुए ये एक नया फीचर रोल आउट करने वाला है। बहुत लोगों के लिए काम आने वाला फीचर है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा काम नहीं आएगा। और इसको काउंटर करने के लिए एक ये भी होगा कि अगर आप उसे मार्क कर देंगे तो वो आपकी चैट डिसअपीयर नहीं होगी। तो देखना होगा ये फीचर कितना काम आने वाला है, कितना नहीं। तो बस यही थी हमारी आज की टॉप 10 टेक न्यूज इन 2 मिनट्स। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।